अब बताइए आपको पार्टी की अरेंजमेंट्स कैसी लगी? एवरीथिंग इज परफेक्ट, थैंक यू। है ना पार्टी शानदार? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग दोस्त क्यों बनते हैं, लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे ये फीलिंग है कि मुझे तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरी दोस्ती को फ्रेंड्स। कौन? That's like it. मेरा दिल भी यही कहता है कि हम दोस्त हैं। क्या है कि मैं तुम दिमाग से काम करता। दिमाग अक्सर गलत राह दिखाता है, पर दिल। खैर कोई बात नहीं, मेरा दिमाग और तुम्हारा दिल खूब चलेंगे। Come on, let's have fun. मैंने कहा था ना आपसे, जरूर हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है कि हम बार बार आपस में टकराते रहते हैं। आप तो कमाल के हैं, हर बार आप कैसे जान लेते हैं कि मैं यहाँ। वाह, पता था ना मैंने आपको। हाँ, एक बात कहूँ, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सच? लेकिन आप इस पार्टी में कैसे? वो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, वो मुझे इस पार्टी की चमक धमक दिखाना चाहते थे। पगला है वो, समझता नहीं कि मेरी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। देखिए, आप बार बार ऐसी बातें मत कहिए। In fact, जो देख सकते हैं उनसे ज्यादा आप महसूस करते हैं। आप अपने आप को इतना इंफीरियर मत महसूस कीजिए। अंधेरा ही मेरे जीवन की सच्चाई है, मुझे इसके साथ जीना होगा। वेटर, वन ड्रिंक। यहाँ ये। इस बार हवा ने आपको धोखा दे दिया। आप ही की वजह से ना, मैं जब भी आपके साथ रहता हूँ मेरा सारा सेंस नॉनसेंस बन जाता है। आप बातें बनाना खुद जानते हैं। सच कह रहा हूँ मैं। वैसे आप इस पिस्ता कलर में बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने कैसे जाना कि मैंने पिस्ता कलर का? जब मैंने आपको पहली बार छुआ था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि आपका फेवरेट कलर पिस्ता है, और पार्टीज में अक्सर लोग अपना फेवरेट कलर ही पहना करते हैं। वैसे पिस्ता हो या ब्लू या ग्रीन, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सब कुछ काला ही है। बैड बॉयज, बैड बॉयज। कुछ देर बस कुछ देर और खुश रहो चेतन गरेवाल, क्योंकि उसके बाद ये खुशियां तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए साथ चलेंगी। हाँ, बैठ जाइए।
बॉयफ्रेंड बना। नाटक वाकई अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ा एक्टर है। बकवास बंद करो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी एक्सपोज कर सकता हूँ। मेरी एक्टिंग वैक्टिंग सब हो जाए। वो तो भूलूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम एक्सपोज करना चाहो कर लो, वैसे भी तुम और कर भी क्या सकते हो। खुद तो अपने बल पर अच्छी तरह पा नहीं सकते ना, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारी असलियत बताऊंगा और ना इस शर्त के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना कि मैंने हाथ तुमसे दुश्मनी निभाने के लिए मिला है। तुमसे दोस्ती बढ़ाने के हाथ में के लिए किया। वो तुमसे बहुत प्यार करती है अक्षत। प्यार? प्यार में प्यार को धोखा नहीं दिया जाता कशिश। ये सब मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं कशिश, हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, मत करो कशिश। उन्हें जो करना था उन्होंने किया, अब हम करेंगे। हम ये एंगेजमेंट किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। देखो चारू, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हैव पेशेंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा स्वयं?
ना मैं तुम्हारी बात सुनती और ना ये सब। अक्षत तो मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं है। तुम कहते हो कि स्वयं इस सब की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सोचा था कशिश। दूसरों की नजरों में हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और हम ये बात तब तक कायम रखेंगे जब तक हम स्वयं से सुजल की सारी प्रॉपर्टीज ना हासिल कर लें। तुम्हें लग रहा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया। वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा प्लान फेल और उन दोनों की एंगेजमेंट जारी, लेकिन नहीं होगा वही जो मैं चाहूंगा। अब देखना तुम कैसे कशिश अक्षत की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती है और अक्षत सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन। आप यहां कुशैला आंटी की खुशी में शामिल हुए हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। लाइट्स ऑफ, एवी प्लीज। कैसा लगा ये शो? मेरे भाई ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं कि ये एंगेजमेंट सिर्फ एक नाटक का कुछ। मैं आपको कल होने वाली नीलामी के लिए इनवाइट करता हूं। होगी गरेवाल की प्रॉपर्टीज और उनके घर। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।